कप्तान कोहली और कोच रवि शास्त्री पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जब से रवि शास्त्री टीम इंडिया के कोच बने उसी वक्त से टीम इंडिया में वर्ल्ड कप के लिए नंबर 4 के बल्लेबाज की तलाश शुरू हो गई थी। ये सबके सामने भी था लेकिन वर्ल्ड कप खत्म हो गया और रवि शास्त्री विराट कोहली मिलकर नंबर 4 का चैंपियन नहीं ढूंढ पाए, जो सवाल अब भी बरकरार है। वर्ल्ड कप में 4 के चक्रव्यूह में फंसे कोहली, सेमीफाइनल में नंबर 4 ने किया बंटाधार, शास्त्री का नंबर 4 का हर प्लान हुआ फेल, अब टीम इंडिया में नहीं चलेगा शास्त्री का खेल। जिस विराट और शास्त्री की जोड़ी पर 130 करोड़ हिंदुस्तानी के सपने को साकार करने की जिम्मेदारी थी, जिस विराट शास्त्री के ऊपर हिंदुस्तान ने भरोसा करके वर्ल्ड कप जीतने का सपना संजोया था, हिंदुस्तान का वो सपना सेमीफाइनल में ही टूट गया और वो भी विराट शास्त्री की उस गलती की वजह से जिसका अंदेशा पहले से ही हो गया था, क्योंकि पिछले 4 साल से टीम इंडिया में नंबर 4 की जंग चल रही थी और क्रिकेट फैन से लेकर एक्सपर्ट तक बार बार नंबर 4 का चैंपियन ढूंढने की बात कर रहे थे। लेकिन कप्तान और कोच ने मिलकर टीम इंडिया में नंबर 4 को ऐसा प्रयोगशाला बना दिया कि आखिरकार टीम इंडिया ही उसमें डूब गई। वर्ल्ड कप के 9 मैच में 4 अलग अलग बल्लेबाजों को नंबर 4 पर बैटिंग के लिए उतारना पड़ा, लेकिन विराट शास्त्री का नंबर 4 का हर प्रयोग फेल हो गया क्योंकि नंबर 4 पर कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं लगा पाया और आखिरकार सेमीफाइनल में नंबर 4 की कमजोर कड़ी ने ही टीम इंडिया का वर्ल्ड कप का सपना भी तोड़ दिया, क्योंकि सेमीफाइनल में नंबर 4 पर उतरे ऋषभ पंत 32 रन के स्कोर पर गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हो गए। विराट और शास्त्री 2 साल में क्यों नहीं नंबर 4 का वो चैंपियन खोज पाए जो वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का बेड़ा पार लगा पाता, और क्यों अनुभवी बल्लेबाजों को बाहर का रास्ता दिखाकर युवा खिलाड़ियों के ऊपर वर्ल्ड कप जैसे अहम टूर्नामेंट में नंबर 4 की विराट जिम्मेदारी सौंप दी गई? क्योंकि नंबर 4 के लिए रायडू और रहाणे का विकल्प मौजूद था, लेकिन विराट और शास्त्री ने मिलकर पहले रहाणे को वनडे टीम से निकाला और फिर वर्ल्ड कप से ठीक पहले अंबाती रायडू को भी टीम से ड्रॉप कर दिया गया। जबकि वर्ल्ड कप से पहले नंबर 4 पर खेलते हुए रायडू ने 15 मैच में 42.18 की औसत से 464 रन बनाए थे, जिनमें रायडू ने 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए। मिडिल ऑर्डर में हमें ठोस बल्लेबाज की जरूरत थी, लेकिन अब भविष्य में हमें नंबर 4 को लेकर फैसला करना है। एक ऐसी स्थिति है जो हमेशा हमें समस्या दे रही है, लेकिन हम अभी तक इसका उपाय नहीं ढूंढ पाए हैं। राहुल नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर शिखर धवन चोटिल हो गए। इसके बाद विजय शंकर नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर रहे थे और वो भी घायल हो गए। हम इन चीजों पर काबू नहीं रख सकते। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब अनिल कुंबले ने भारत के कोच पद को छोड़ दिया और रवि शास्त्री भारत के हेड कोच बने, तब से लेकर 2019 तक विराट कोहली और रवि शास्त्री ने नंबर 4 की पोजीशन पर कई खिलाड़ियों को आजमाया, लेकिन वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल मुकाबले तक भी रवि शास्त्री और विराट कोहली ये तय नहीं कर पाए कि भारत का नंबर 4 खिलाड़ी कौन होगा, जिसका खामियाजा भारत को वर्ल्ड कप से बाहर होकर चुकाना पड़ा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रविश बिष्ट, न्यूज़ नेशन, लंदन।